ग्वालियर जिले में पुलिस ने अवैध शराब परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है और चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल शहर के महाराजपुरा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक टैंकर में छुपाकर अवैध तरीके से शराब परिवहन की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने हाईवे पर चेकिंग प्वाइंट लगाया और टैंकर की घेराबंदी कर टैंकर चालक को पकड़ लिया गया। पकड़े गए चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अछला राम निवासी ग्राम धीवासर जिला बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला बताया। वही जब पुलिस टीम द्वारा टैंकर के ऊपर चढ़कर ढक्कन खोलकर चेक किया गया तो उसके अंदर से विभिन्न कंपनियों की अवैध अंग्रेजी शराब की 702 पेटियां जब्त की गईं, जिनकी कीमत करीब 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इसके तहत ही पुलिस टीम द्वारा टैंकर चालक के खिलाफ थाना महाराजपुरा में आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। एडिशनल एसपी क्राइम सियाज सीएसपी नागिन और पड़ाव थाने के सब इंस्पेक्टर संतोष भदौरिया, इन लोगों ने अपनी पूरी टीम के साथ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन में जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी कि एक सल्फ्यूरिक एसिड का टैंकर है, उस टैंकर में बड़ी मात्रा में जो अंग्रेजी शराब है उसकी स्मगलिंग की जा रही है। सूचना के आधार पर नाकाबंदी की गई, टैंकर को रुकवाया गया तो चेक किया गया तो बाहरी रूप से देखने पर तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का एक बड़ा टैंकर है जो बालाजी ट्रांसपोर्ट के नाम से संचालित होता है। टैंकर को जब खुलवा के देखा गया तो उसमें बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी हुई थी। उन पेटियों को चेक किया गया तो सारी विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब है उसमें और करीब 702 पेटियां बरामद की गई है जिनकी कीमत 52 लाख से अधिक है। टैंकर जो है सल्फ्यूरिक एसिड के नाम पर संचालित हो रहा है, उसका जो मालिक है ये बाड़मेर का रहने वाला अचला राज जाट है जो इसी के नाम से टैंकर है। अभी प्राइमरी जो सूचना इसने दी है उसके आधार पर मनीष नाम का व्यक्ति है जिसने सीकर में इसको टैंकर हैंडओवर किया था।